हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ राज की जय हरे हरे बोल। तो आज का जो सेकंड चैप्टर है उसका 2.21 से 24 तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। 21 श्लोक नंबर दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अव्ययम् अज अव्ययम् अक्षम सह पुरुषम पार्थकम भास्वती अंतिम कम। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि वे पार्थ वो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय। वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य पढ़िए बाबरी मदन। तात्पर्य प्रत्येक वस्तु समस्त उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग उसके जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा की जाने का आदेश है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में उसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समस्या करना चाहिए कृष्ण के लिए किया गया है युद्ध हिंसा नहीं है क्योंकि मनुष्य या दूसरे सत्व में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। न्याय के तथागत हिंसा की अनुमति है। चलिए क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वास्थ्य बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है उसे पाप फल की संभावना नहीं है। तो ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि जब कोई आत्मा का जो ज्ञान है उसको जानता है ना, जैसे भगवान ने पहले कहा कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो अविनाशी है, मतलब उसका नाश नहीं होता, अजन्मा है यानी कभी जन्म नहीं होता, शाश्वत है मतलब इंटरनल हमेशा रहता है, और अव्यय है यानी निर्विकार है, तो कोई विकार नहीं होता। वो भला किसी को कैसे मार सकता है, ये क्योंकि अर्जुन को यही है ना कि उसके जो सगे संबंधी वो मर जाए, है ना, इसलिए वो शोकाकुल हो रहा था। तो यहाँ पे भगवान आत्मा के बारे में बताए, ये नॉलेज जिसके पास होता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता, है ना। तो प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता है श्री प्रभुपाद। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कब कौन सी वस्तु का कहाँ उपयोग है ना। इसी प्रकार हिंसा की भी उपयोगिता है। जनरली हम कहेंगे अरे ये तो बड़े अजीब बात कह रहे हैं लोगों की, हिंसा की भी उपयोगिता, हिंसा की कोई उपयोगिता हो सकती है क्या। तो शिव प्रभाव कहते हैं हाँ, ये उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है ना। कि जैसे हत्या करने वाले व्यक्ति को और जो न्याय संहिता है उसके अनुसार प्राण देने का, तो क्या प्राण दंड दिया जाता है ज्ञान की को भी भरा जाता नहीं। उसने एक व्यक्ति ने अपराध किया और हिंसा किए जाने का आदेश है तो उसमें ये आदेश दिया गया न्याय संहिता कि अगर कोई किसी व्यक्ति का वध करता है उस व्यक्ति को मारने की सजा है ना। हाँ जी हाँ। तो न्याय संहिता के अनुसार उस न्यायाधीश ने उसको दोषी ठहराया। हाँ जी। उसमें उसमें न्यायाधीश की कोई गलती है ना, न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति को हिंसा की जाने का आदेश है। मनुष्य को विधि ग्रंथ मनु संहिता के समर्थन किया है कि हत्यारे को प्राण दंड मिलना ही चाहिए, नहीं तो अगले जीवन में से पाप कर्म भोगना पड़ेगा और बुरी तरह से। तो इसी जीवन में जो एक्शन है अगर किसी ने किसी को हत्या की है उसको प्राण दंड देना चाहिए। दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट,
जैसे जनरली ये सवाल किया जाता है कि महात्मा गांधी है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो सोचते नहीं नहीं हमें हिंसा नहीं करनी है, लेकिन हमें ठीक से भगवदगीता समझनी है। हम जब गुरु प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में भगवदगीता पढ़ते हैं तब भगवदगीता का सही नॉलेज है करता है। शिष्य कृपा कह रहे सही नॉलेज होता है उसको पता होता है कि कहाँ किस वस्तु का उपयोग करना है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जो अहिंसा है उसका भी उपयोग होता है। ऐसा नहीं कि केवल हर समय अहिंसा ही रहना, जितना हो सके बचना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए, अभी कोई व्यक्ति हमारे पर अटैक कर हमारी बेटी को उठा के ले जाए और वहाँ पे अहिंसा थोड़ी दिखाई, वहाँ हमें प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो हिंसा जो है कभी कभी जरूरी हो जाती है, है ना, कि जब उपद्रवी लोग आक्रमण करते हैं तो क्या करते हैं, हमें अपनी सेफ्टी के लिए बचाव के लिए हिंसा करनी पड़ती है, है ना। तो आपने देखा होगा कि हमारे जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह में भी यदि ये प्रूफ हो जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए किसी का मर्डर कर लिया तो उसको छोड़ दिया जाता है, कि हाँ भाई इसने अपने सेफ्टी के लिए उसको प्रोटेक्शन किया और उसके रखा, है ना। तो ये समझना होगा पहली बात कि ऐसा नहीं कि हर समय अहिंसा ही है। भगवान ने तो अर्जुन को हिंसा करने के लिए कहा, युद्ध करने के लिए कहा, क्योंकि उस समय उसकी जरूरत थी, हिंसा करने की जरूरत थी, युद्ध करने की जरूरत थी, धर्म युद्ध हो रहा था, वो किसी साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे राजा का लड़ाई नहीं हो रहा था, वो धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए युद्ध हो रहा था, ठीक है ना। तो अंतर समझना होगा कि भगवान जब किसी चीज का आदेश देते हैं उसका पालन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हिंसा हर समय खराब होती है, नहीं, हिंसा की भी उपयोगिता होती है। ये जो जो व्यक्ति है, ज्ञान वाला व्यक्ति है, उस पर निर्भर करता है कि कैसे उसको देता है। दूसरी बात शिव की बात करें, अक्सर ये बात उठाई जाती है, प्राण दंड नहीं खाती, है ना। तो क्राइम करने वाले को कोई भय नहीं है, कभी कोई भय नहीं है। और दूसरा जो है, मनुष्य संहिता में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का प्राण ले लेता है अकारण, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, नहीं तो वो आगे वो दुख भोगेगा, इससे उसको प्राणदंड देना चाहिए। तो इट इज वेरी जेंटल, इसीलिए राजा जो है या जो भी सरकार के जो लोग हैं वो प्राणदंड का विधान करते हैं, नहीं तो क्राइम रेट में एक तो डर भी नहीं रहेगा और दूसरा न्याय की दृष्टि से भी व्यक्ति को और पाप कर्म भुगतने पड़ेंगे। अगर वो इसी जन्म में अपने पाप को भुगत लेगा तो अगले जन्म को उसको नहीं भुगत सकता, इसलिए प्राणदंड। तो ये सब हमें नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। शिल रूपाधारी कहते हैं कि जब राजा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाता है, इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते तो समझना चाहिए कि हिंसा परम न्याय है युद्ध, और इस तरह अर्जुन को आदेश का पालन ये समझ कर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं है। भगवान एक्सप्लेन कर, ये युद्ध तो हो रहा है, ये लोग मरेंगे भी, लेकिन जो भी मरेंगे वो जो है एक्चुअली मरेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं, आत्मा शाश्वत रहता है, हमेशा रहता है, क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, है ना। और आत्मा में कोई विकार नहीं होता, एक विकार होता है। उसको कैसे समझेंगे, उसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी मना होता है कि जैसे कोई व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में है, उसने नाइफ पकड़ी हुई है, है ना, अब वो बॉडी को काटेगा, और एक जो है चोर या हत्यारा जो है वो किसी की बॉडी में चाकू से प्रहार करेगा, दोनों में अंतर है ना, लेकिन दोनों ने ही नाइफ ली है, दोनों ने ही चाकू अपने हाथ में लेके रखा है, तो चाकू तो एक ही है ना, लेकिन उपयोगिता कौन जानता है, डॉक्टर, डॉक्टर जानता है कि इसका किस तरह से चाकू से काट के ऑपरेशन किया जाएगा, इसका जो है इलाज हो जाएगा रोग का, है ना। लेकिन जो हत्यारा है, जो चोर है, वो उसके जान लेने के लिए चाकू का इस्तेमाल करेगा, है ना। तो
यहाँ पे बता दे रहा है कि जो अगर ज्ञानी व्यक्ति है तो वो समझता है कि इस समय हिंसा करनी है, इस समय अपना प्राण बचाना है या प्रोटेक्शन करना है, या जैसे मान लीजिए अब हमारे देश पर मान लीजिए पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो कहेंगे नहीं नहीं हमें अहिंसा से करना चाहिए, उनको जितना मारना आपको मानते हैं मिलेगा क्या? नहीं, सोल्जर को फाइट करना पड़ेगा है ना, कभी हमारी रक्षा हो पाएगी। तो जब पूरा ज्ञान होता है तो ज्ञान के आधार पर ही क्या होता है उपयोगिता डिपेंड करती है। तो केवल ऐसा नहीं कि हिंसा की कोई उपयोगिता नहीं, हिंसा की भी उपयोगिता होती है, एक समय में अगर जरूरत पड़ती है हिंसा की करना है, लेकिन ये सब धर्म की धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए हिंसा की जरूरत पड़ती है तो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मनमाने ढंग से अपनी इंद्रिय शक्ति के हिसाब से कर रहे हैं। और प्राण दंड जो है बहुत जरूरी है, इससे जो है व्यक्ति का जो पाप है इसी जन्म में निकल जाता है और आगे उसके लिए ठीक होता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न समझ में आया? आत्मा जो है वो कभी नहीं, हाँ भगवान ये समझाने की कोशिश करते अर्जुन शोक कर रहे हो कि मेरे पितामह बन जाएंगे, मेरे गुरुजन बन जाएंगे, मेरे प्रियजन बंधु बांधव सब रहेंगे नहीं, तो मैं इस राज्य का क्या करूँगा? तो एक बात समझ लो कि आत्मा की तो हमारे लिए भी बहुत उपाधि होगी। हमेशा याद रखना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और चेंजेस तो शरीर में होते ही आए है ना, तो एक चेंज मृत्यु भी होगा, तो हमेशा जब मृत्यु भी आती है तो ये रहेगा कि हमें अपने घर वापस जाना है और इन दुखों से बाहर निकलना है। ठीक है, तो अपने घर जाने में कोई व्यक्ति दुखी होता है? दुखी नहीं। इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान भगवान से ये मांगना चाहिए भगवान आपकी स्मृति रहे, आपके भक्तों का संग रहे, आपका ये हरि नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे ये निकलता रहे। ठीक है, दूसरा श्लोक श्लोक नंबर 22 वाणी यथा विहाय नवानि विहाति नरोपदानि तथा शरीराणि विहाय जीवन नयानि संयाति नवाति रे। इस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नई वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यस्त के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर ग्रहण करता है। गौरी पढ़ो बेटा। जी हाँ जी, तात्पर्य अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या में उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की 2.13 में की जा चुकी है। अणु आत्मा के का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों ही पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनके शरण में जाता है, क्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है।
मुंडक उपनिषद 3.1.2 तथा श्वेताश्वर उपनिषद 4.8 समाने वृक्षे समाने वृक्षे पुष्पे निगमने निशया सोचिता मुनियाना जष्टम सदा पश्यत्य निशमस्य महिमानां मिति वीत शोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवद्गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्नता होनी चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत ही मुक्त हो जाएं। बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। यहाँ पे एक और तरीके से भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि जिस तरह से जब कोई पुराना कपड़ा हो जाता है, गारमेंट हमारा पुराना होता है, तो हम उसको बदल के नया गारमेंट ले लेते हैं, उसमें कुछ उसको शोध करने की आवश्यकता। इसी तरह से जब हमारा ये शरीर पुराना हो जाता है, जर्जर जाता है, या रोग यानी पुराना नहीं पीवा है, तो रोग से ग्रसित हो जाता है, तो क्या होता है, आत्मा यहाँ पे अच्छा फील नहीं करती और वो शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में अपने कर्म का चल जाती है। तो यहाँ पे शरीर एक्चुअली हमारे मटेरियल वर्ल्ड में जो है मृत्यु को बहुत बड़ा करके बताया जाता है, और जबकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मृत्यु को एक जैसे पुराने कपड़े फटे हुए कपड़े को बदलना होता है, वैसा मृत्यु होता है। इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। तो अशोक गोपाल कह रहे हैं कि शरीर में परिवर्तन होता है, ये सबने तो इवन वैज्ञानिक जो है आत्मा के अस्तित्व को तो नहीं मानते, लेकिन बॉडीली चेंजेस को वो मानते हैं। तो भगवद्गीता में भी बताया गया है, है ना, 2.13 में कि देह मौत से ये था देह, कि देह जो है पहले जन्म लेता है, छोटा सा होता है, बड़ा होता है बाल्यावस्था में आता है, फिर कौमार्य होता है, यंग एज में आता है, तरुणावस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है, फिर उसके बाद वो चेंज होता है बॉडी और दूसरे शरीर में जाता है। तो ये दूसरे शरीर में जाना है मृत्यु कहते हैं। तो जब हम छोटे फिर बड़े हुए तो हमने शोक नहीं किया। तो उसी तरह से जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो तो एक शरीर को छोड़ के शरीर दूसरे शरीर पर जा रहा होता है, तो उसको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि वो आत्मा है, उसकी वृद्धि होती है। अनुआत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से ही संभव है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो प्रोसेस हो रहा है बॉडी में, जो चेंजेस आए, माए सोचते हैं कि हमारे वजह से, हमारा खाना खिलाना, हमारा हॉर्लिक्स खिलाने की वजह से बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, है ना, जब खिला रहे हैं बॉडी में हॉर्लिक्स खिला रहे हैं और जिससे विटामिन की चीजें हैं हम खा रहे हैं, सब जो है वो बॉडी में चेंजेस हो, नहीं नहीं, बॉडी में चेंजेस अपने आप ही, और जिनके में चेंजेस नहीं होते, अभाव होते हैं, आप लास्ट उसका कर लीजिए, वो नहीं ठीक हो, है ना। लेकिन हम अपने फॉल्स के कारण क्या सोचते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि मैंने इसको दूध खिलाया है, मैंने टैबलेट खिलाया है, मैंने डॉक्टर की दवाइयाँ खिलाई हैं, और भी जो जो चीज़ें मैंने दूध असली गाय का दूध खिलाया है, चेंजेस होते नहीं। ये प्रकृति के द्वारा भगवान की शिक्षा में चेंजेस हो, भगवान जो है वो चेंजेस करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने में भी भगवान ही हेल्प करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो परमात्मा अनुआत्मा की इच्छा जो पूर्ति इसी तरह करता है, जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा करता है, एक फ्रेंड जैसे दूसरे फ्रेंड को बोलता है, भगवान जो है परमात्मा के रूप से रहते हैं और मेटिक वर्ड में जो व्यक्ति की डिजायर होती है उसको फुलफिल करते हैं। तो मोटा विश्व में भगवान को और परमात्मा को कैसे बताया जाता है, हृदय में ही दोनों बात रहते हैं, परमात्मा भी और आत्मा, जैसे ये दो पक्षी होते हैं ना, वो क्या होते हैं,
हरे पेड़ में जाते हैं तो दूर से लगता है कि वो हरे पेड़ लग रहे हैं, वो मिल, लेकिन आप अगर वो वृक्ष में देखिए तो वो वृक्ष भी रहता है और वृक्ष के अंदर जो शाखा में वो दो पक्षी भी अलग अलग बैठे होते हैं, है ना, तो सबका एग्जिस्टेंस रहता है। ऐसा नहीं कि कोई, हाँ जब मृत्यु होती है तो आत्मा में जाके परमात्मा मिल, परमात्मा में जाके आत्मा मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा परमात्मा और आत्मा दोनों का एग्जिस्टेंस, दोनों का एग्जिस्टेंस, भक्त और भगवान का एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे बताया गया श्वेता उपनिषद में भी बताया है कि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर हैं, किंतु फल खाने वाला वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में और दूसरा जो है फल खाने, एक पक्षी जो है और दूसरा पक्षी, दोनों अंतर भी है। हालांकि दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों में अंतर भी है। एक जो है वो देख रहा है और दूसरा जो है फल को खा रहा है ना, जो फल को खा रहा है वो जीव इस जगत में एंजॉय कर रहा है, भगवान उसको स्वच्छता की तरह देख रहा है। तो भगवान जब फैसिलिटेट करते हैं तब जीव को कोई भी चीज प्रोवाइड होगी। ऑक्सीजन कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर बना सकता है क्या? नहीं। अक्सर सिलेंडर में, हाँ आपको कोरोना वायरस के ऑक्सीजन बहुत कम हो रहा है, सिलेंडर में कई की हजारों रुपए का बिक रहा है, लेकिन उनको बनाने वाला कौन है? भगवान है ना। एक छोटी से छोटी चीज, एक डेट ऑफ ब्रांच भी हम नहीं बना सकते, सब मिला हुआ है। तो यानी समझना होगा कि एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय परमात्मा। तो शरीर में भी अगर परिवर्तन होगा, मृत्यु होगी, तो उसमें भी भगवान ही जब सहायता करेंगे तभी कर सकते हैं। लेकिन जैसी व्यक्ति की इच्छा होती है उसके का शरीर होता है। तो अर्जुन जो है अपना मुख अपने शाश्वत मित्र की ओर फेरता, तभी उसको भगवद गीता समझ में आया। तो यहाँ बता रहे कि भगवान की परम महिमा को समझ कर ही शोक से मुक्त हुआ जा सकता है। मृत्यु का जो दुख है इसको हम कैसे समझ सकते हैं? आप कोई उपाय कर लीजिए, आप कुछ ही नहीं कर सकते जब तक कि आप ज्ञान नहीं लेंगे या भगवान की ओर नहीं होंगे। भगवान की सही नॉलेज से ही हमारा शोक जो है वो नाश हो सकता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, जो जो पितामह है, गुरु है, उनके ध्यान उनका शोक मत करो, लेकिन तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो तो उनके शरीर का जरूर वध होगा, लेकिन ये भी उच्च उच्च लोगों को जाएंगे और तुरंत मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब धर्म के लिए प्राण को अर्पित करता है तो व्यक्ति पाप से, जितने भी उन्होंने पाप किए सब मुक्त हो जाएंगे और उच्च लोगों को प्राप्त होंगे। अतः अर्जुन को शोक नहीं करना। उसी प्रकार से मैं इसी शोक को लेक्चर दिए लंदन में 1976 में श्री गोपाल ने लेक्चर दिया, तो उसमें श्री गोपाल यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि तरह तरह से भगवान अर्जुन को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारा कर्तव्य नित्य करना, यानी मेरी आज्ञा का पालन करना। तो जीव को सदैव भगवान की आज्ञा का पालन करना, जी जो है सदैव परमात्मा। हमें बता रहे हैं कि जैसे कि शास्त्र में बताया गया है कि शरीर जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हम यहाँ पे रहके मटेरियल वर्ल्ड पे रहते तो इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं। एक वस्त्र के बराबर, पुराने वस्त्र जैसे फट जाते हैं, मरी जाते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो शरीर को रोगाग्रस्त होकर या जब जीर्ण हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो कुछ होकर मैं इतना बढ़िया बॉडी ग्रहण कर लेती कर सकती हूँ। तो इसका कंपेरिजन एक गारमेंट की, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे एक टेलर होता है ना, तो कपड़े को कैसे कट करता है, जैसा बॉडी का आकार होता है ना, छोटे बच्चे का वस्त्र सिल रहा होता है छोटे बच्चे के हिसाब से कमीज बनाता है, पैंट शर्ट बनाता है, और बड़े लोगों का वस्त्र बनता है तो बड़े लोगों के हिसाब से पैंट शर्ट बनाता है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो बॉडी जो हमें वस्त्र की तरह मिली है, यानी आत्मा का भी आकार होगा तभी तो इसका भी आकार है। लेकिन हमारी धारणा है कि आत्मा जो है एक ज्योति की तरह, नहीं, आत्मा एक व्यक्ति है, उसका सर है, दो हाथ है, पेट है, दो पैर है, सभी इस बॉडी के ऊपर भी, कवरिंग के ऊपर भी आँख है, नाक है, दो हाथ है, दो पैर है, है ना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति को कोट बनाया गया तो उसमें दो हाथ बनाए गए, है ना। अब तो अब ये कहिए कि नहीं नहीं कोट में तो हाथ है लेकिन उस व्यक्ति के हाथ नहीं, तो कोर्ट में भैया हाथ ही इसलिए बना है क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ है। इसी तरह
एक आत्मा जो शरीर दिख रहा है, तो शरीर के जैसा आकार है, क्यों ये आकार है? क्योंकि आत्मा का ही आकार गंधया, आत्मा कोई ज्योति नहीं है, आत्मा एक व्यक्ति और आत्मा का आकार है ना। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि बोथ द लॉर्ड एंड लिविंग एंटिटी आर सिचुएटेड इन आत्मा, दोनों शिष्य पर कहते हैं हृदय में, शास्त्र में हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में हमारे आत्मा के साथ है। लेकिन ध्यान बताते हैं कि अगर हम यू कैन नॉट एंजॉय स्पिरिचुअल लाइफ इन मटेरियल बॉडी, हम अपना जो स्पिरिचुअल हमारी आत्मा क्या है आध्यात्मिक, लेकिन हम एंजॉय कहाँ कर रहे हैं, जड़ जगत में। इसीलिए आत्मा को कोई सुख नहीं मिलता, लेकिन जब वो भक्ति के कार्य करता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, भगवान का प्रसाद खाता है, जगन्नाथ जी की यात्रा करता है, कीर्तन सुनता है, भागवत सुनता है, भगवत गीता पढ़ता है, तब उसको आत्मा का सुख मिलता है। तो ये बात समझने के लिए क्षेत्रपाल कह रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल लाइफ को मेटीरियल बॉडी में इंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, अज्ञानता के कारण हम क्या करते हैं, पुनः पुनः चर्बी चढ़ाना, चबाए हुए को फिर से चबाते हैं, हमें लगता है शायद यहाँ सुख मिल जाए, शायद मैंने ऐसा नहीं हुआ, इस ये सिचुएशन नहीं थी या ये चीज मैंने नहीं इंजॉय की, इसलिए मैं दुखी हूँ, इस जगह मैंने नौकरी नहीं की, इस जगह नौकरी की, इसलिए मैं दुखी हूँ, है ना। क्या कहते हैं, चेंज करते और सोचते ये करने से, लेकिन इस भगवान ने डिक्लेयर कर दिया है भगवान में कि दुखालयम है और अवशाश्वत है, आप कुछ भी ट्राई करिएगा वो दुखाले रहेगा और अवशाश्वत टेम्परेरी रहेगा, चेंज होगा। मशीन के ऊपर कहते हैं कि हमें सीखना चाहिए ये सब चीजें, लेकिन हम सीखते क्या है, मटेरियल वर्ल्ड से सीखते हैं, डॉग सिविलाइजेशन को सीखते हैं। तो डॉग क्या करता है, स्ट्रीट पर खुले आम सेक्स करता है और सब लोग उसको देखते रहते हैं, लेकिन उसको कोई शेम नहीं होता है। जो लोग उसको देखते रहते हैं उनके अंदर भी सेक्स डिजायर होता है, इसलिए वो उसको देखते रहते हैं, हम भी खुले आम इस तरह सेक्स करें, तो ये सब नंगा नाच आराम से चलता रहता है ना। ह्यूमन बॉडी में होके हम खुले आम स्ट्रीट पर सेक्स का प्रदर्शन करते हैं, है ना, लहर के लड़के हाथ डाल के चलते रहते हैं, किसी से चलता रहता है, सब चीज चलता है, और इसको बहुत मॉडर्निज्म से शिव प्रभात करें, मॉडर्निज्म नहीं है ये, तुच्छम, ये तुच्छम, ये पशु योनि के कारण, मनुष्य के लिए ऐसे खुलेआम सेक्स नहीं हुआ, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड जो है इसके जब बेस ही है सेक्स लाइफ, बेस ही है सेक्स लाइफ, इसे लोग जो है नहीं समझते। लेकिन अगर हमें इस जगत से बाहर निकलना है तो हमें भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। अर्जुन को डाउट हो रहा था, लेकिन अर्जुन ने कहा कि माँ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, शिष्य अहम साधी माम स्वाम प्रपन्ना, सातवें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मुझे मेरी बुद्धि डिवाइडर हो रही है, लेकिन मैं आपकी शरण करता हूँ, जो मेरे लिए प्रिय है वो बताए, प्रेयर से वो बताए। तो हमारे लिए ये शिक्षा है कि हो सकता है जीवन की कई परिस्थितियों में समझ लेना, लोग कहते हैं अरे कोरोना वायरस इतना दुख हो रहा है, भगवान कहाँ है, अरे भगवान ने क्या किया है, तुमने किया है, भगवान तो हर चीज प्योर दिए थे, तुमने सब कुछ पॉल्यूटेड किया है, इसमें भगवान की क्या गलती है, अपने कर्म अगर हम सुधार ले तो अभी भी सब कुछ ठीक है, ये नहीं हम तो नहीं सुधरे। तो जैसे कुछ बात कर रहे हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम काम में है कि कृष्ण भक्ति में, तो जब हम भक्ति में रहते हैं तो वो नव नव उपदायतम रंतुम अस्ति, हमें नया नया रस प्राप्त होता है भगवान के भक्ति। आप देखिए हरे कृष्ण महामंत्र कितने हजारों सालों से होता है, लेकिन हर दिन एक नया रस प्राप्त होता है ना। भगवत गीता के ये ज्ञान लगभग सबको पता है, आप लोगों ने भी पढ़ा है, लेकिन आप सुन रहे हैं तो कैसा लग रहा है, नया लग रहा है, जैसे लग रहा है कि अरे ये बात तो हमने कभी इस एंगल से तो देखा ही नहीं, ये इस एंगल से हमने सुना भी नहीं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो लवर लवर रस मिलता है, लेकिन जब हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं और मटेरियल इंजॉय करते हैं तो पुनः चरण में चरण हम प्रस्टेटेड होते हैं, पूरा समय के लिए चल रहे हैं, समझना चाहिए कि हम भक्ति नहीं करते हैं, हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो इसलिए टेस्ट यही है कि जब हमको उत्साह लगे, नया नया रस का अनुभव होगा, समझना चाहिए कि भक्ति कर रहे हैं,
और जब हम उसको टेस्टलेस लगे, बार बार चेंज करते रहे, है ना, सोचे कि शायद यहाँ अच्छा लगेगा, तो समझना चाहिए कि मेटीरियल बहुत चेंज हो जाएगा। भक्ति में वही कृष्ण रहते हैं, वही हरे कृष्ण महामंत्र रहता है, कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी नया नया रोज, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में हम रोज चेंज करते हैं। आज रेड कलर की साड़ी लिए तो अलग से ब्लू कलर की लें, ब्लैक कलर की लें, व्हाइट कलर की लें, है ना, तो चेंज करते हैं, लेकिन कोई सुख नहीं मिलता। तुमने शिल्प उपाध्याय ने एक्सप्लेन किया, तो ये समझना चाहिए कि इस मटीरियल वर्ल्ड में इस बॉडी को बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इस बॉडी को इतनी इम्पोर्टेंट है जैसे पुराने कपड़े बनाए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 23। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैव न एनम क्लेयन्ति याप न शोषयतु मारः। भगवान और ज्यादा बता रहे आत्मा के स्वभाव के बारे में, आत्मा को खंड खंड नहीं कह सकता, अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, न बिगोया जा सकता, या गाय द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता। श्री प्रभुपाद कहते हैं जितने भी तलवार है, अग्नि अस्त्र है, वर्षा है, चक्रवात है, कुछ भी हो, चाहे कोरोना वायरस हो, लेकिन आत्मा को कोई नहीं मारता, शरीर का नाश हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि आधुनिक आग्नि अस्त्र, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु के भी अनेक हथियार होते हैं, आधुनिक उसमें नाभिकीय न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह को ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन पहले जो थे इससे भी ज्यादा एडवांस था, क्योंकि मंत्रों के द्वारा कई प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसकी यूज किया, लेकिन आज उनका ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे बता रहे कि वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है मटेरियल चीजों का, लेकिन आत्मा का न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कोई भी नाश नहीं कर सकता। लेकिन जो मायावादी है व्याख्या नहीं करते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। नई आदि परमात्मा से जीव को विलग कर पाना संभव है, सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है, सनातन अणु आत्मा है और माया द्वारा आवृत होने पर उसकी स्वाभाविक जो प्रकृति है कि भगवान के संग रहने की, और वो पृथक हो गई, जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग अग्नि विलग हो जाता है तो बुझ जाता है, एक बहुत बड़ा आग जलता है ना, एक चिंगारी थोड़ा सा दूर होके हवा से छूट के चल जाती है, कितने दूर देर तक चलेगी, थोड़ी देर में ना बुझ जाएगी, क्योंकि मूल अग्नि तो दूर होगी। उसी तरह जीव जो है तो भगवान का अंश है, जब तक वो भगवान से जुड़ा रहता है कथा के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, जब वो कथा भगवान से जुड़ा रहता है तब तक वो सही रहता है, लेकिन अगर जब भगवान से दूर चला जाता है तो उसको कोई आनंद प्राप्त नहीं। वराह पुराण में जीव को परमात्मा का अंश बताया गया, भगवत गीता में जो शास्त्र जो है अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। जैसे कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि कृष्ण अर्जुन के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु अभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ, मतलब समझ रहा है अर्जुन, भगवान समझा रहे हैं कि नैनम छिन्दति, तुम चिंता मत करो, किसी भी अस्त्र से आत्मा जो है अपने काटी जा सकती है, मारी जा सकती है, सिखाई जा सकती है। हमारे लिए ये समझना होगा कि आत्मा जो है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, आत्मा सदैव जो है अजन्मा और शाश्वत है, बॉडी में चेंजेस होते हैं, बॉडी में चीजें होती हैं, लेकिन वी आर नॉट दिस बॉडी। अगर ये ज्ञान हमारे अंदर रहा तो हमारे अंदर शोक भी होगा, है ना। इसके बाद कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में 24। अच्छेद अयम अध्याय अयम अक्लेश असोच्य एव च नित्यं सर्वगत स्थानो अचलम अयम सनातन। फिर और एक्सप्लेन कर रहे हैं आत्मा के बारे में कि आत्मा अखंडनीय खंडित है और अघुलनशील, इसे न तो जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है, ये शाश्वत है और सर्वव्यापी है, अभिकारी है, स्थिर है तथा सदैव एक करने वाला, इसमें चेंजेस नहीं होते, आत्मा मॉडल में चेंजेस होते हैं ना, हम छोटे छोटे फिर बड़े हुए हैं, कितना पूरा बॉडी चेंज, है ना, लेकिन आत्मा में कोई चेंजेस नहीं होता, आत्मा सदैव एक जैसा ही है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं अणु आत्मा कितने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना है, जैसे भगवान सदैव है ना, आज के 5000 साल पहले भी अगर आप जगन्नाथ जी का देखेंगे तो वही फॉर्म था, है ना,
अगर आप स्क्रिप्चर पढ़िए, आज से 5,000 साल पहले महाभारत में कृष्ण था, तो वही हिंदू धोती पहनते हैं, वही त्रिभंग लगते हैं, वही बांसुरी बजाते हैं, सर पर मोर पंख धारण करते हैं, है ना। जैसा डिस्क्रिप्शन आज हम पढ़ रहे हैं ऐसा ही 5,000 साल पहले भी थे ना भगवान। कोई अंतर है? नहीं, तो बताया जाता है सेम वस्तु, ठीक वैसे ही आज भी है ना। तो भगवान में कोई चेंजेस नहीं, उसी तरह जीव में भी कोई चेंजेस नहीं है, आत्मा न सर्वगता शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है कि जीव की समस्त सृष्टि में, ऐसा नहीं कि जीव जो है बहुत ज्यादा अग्नि है तो वहाँ नहीं रहते, या बहुत ज्यादा ठंड है तो वहाँ नहीं रहते, जल थल वायु जीव रहते हैं, तो वो उस तत्व के बने होते हैं, है ना। जल में जो रहते हैं जल तत्व के होते, अग्नि तत्व के जो होते हैं वो अग्नि में रहते, लेकिन होते हर जगह है। साइंस भी अभी इस बात को मानती, पहले नहीं मानते थे, लेकिन अभी अब देखिए, भगवान ने तो सर्वगता शक्ति बहुत पहले चिंतित, तो ये मानते हैं कि अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं कि नहीं, क्योंकि आत्मा को अग्नि में जलाया नहीं जाता, तो शरीर का दाह संस्कार होता है तब भी आत्मा को जलाया। आपने देखा कि अभी दो दिन पहले पंचांग्रे प्रभु जो कि मायापुर के हेड पुजारी हैं, उन्होंने शरीर त्याग किया है ना। तो आप देखिए, वैष्णव कभी नहीं मरता, उसकी ख्याति सदैव रहे। यहाँ पे वो सेवा कर रहे थे नरसिंहदेव की, नरसिंहदेव ने हम उनको बुला लिया सेवा करते, यहाँ पे भी वो प्लेजेंट लाइफ और खुशी पूर्वक लाइफ दिए, कितने लोग उनसे प्रेम करते रहे, और अभी शरीर त्यागने के बाद भी उसके सुंदर है ना। अतः अनेक संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी होंगे, यदि सूर्यलोक निर्जल हो तो सर्वगता शब्द निरंतर। तो यहाँ पे श्री कृपा जो है अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा शोक इसलिए है क्योंकि तुम्हारा ज्ञान है। तो हमारे साथ भी यही बात, हमने मटेरियल जगत का ज्ञान किया है जो कि बॉडी तक ही सीमित है, और वो भी पूरा ज्ञान नहीं है, बॉडी का भी पूरा ज्ञान। तो क्या होता है, हमें पैसा तो बहुत होता है, हमारे धन भी कमा लेते हैं, बहुत सी सुख सुविधाएं भी हम जुटा सकते हैं, लेकिन हमें आत्मा की शांति संतोष और प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती, क्योंकि हमको ये समझना होगा कि हम ये शरीर नहीं है, और आत्मा जो है, भगवान ने विशेष रूप से कहा, कभी भी इस भौतिक जगत के जड़ चीजों से आनंद नहीं ले, नहीं हो सकती, उसको आध्यात्म में आना ही पड़ेगा, आध्यात्मिक स्वीकार करना ही पड़ेगा। और हर हमेशा अगर मान लीजिए आपको पता लगे कि हाँ अब मेरा शरीर त्याग होने वाला है, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर जरूर नाश हो जाएगा, और अगर हम आत्मा है तो हमारे आत्मा का कभी नाश नहीं होगा, हमें अपने घर वापस जाना, और हरे अपने घर वापस जाने के लिए हमारे गुरु ने हमें एक मंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। आप यकीन मानिए, आप दुनिया का कोई भी काम कर लीजिए और ये हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग से जो सुख मिलता है वो आत्मा को कहीं नहीं। इसलिए जब हमको भगवान का आश्रय लेते हैं तो भय नहीं रहता। श्री कृपा कहते हैं कृष्ण चैतन्य चरतामृत में कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्ण सूर्य में माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया है, जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ अंधेरा है। जब हम अपने पिता के साथ रहेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, तो हमको कभी भी भय नहीं होता। श्री कृपा जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, हमें अपने बल पर इस भवसागर को पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने बल पर भवसागर पार करने का मतलब होता है जैसे एक बंदर जो है, और बंदर का बच्चा, बंदर का बच्चा आपने देखा होगा पीठ पर चढ़ा होता है, कितने लोगों ने देखा है, आपने देखा है, आपने माता जी देखा है, गौरी देखा है तुमने, जी माता जी, बंदर पीठ पर लटका होता था बच्चा, तो क्योंकि बच्चा अपने बल पे लटका होता था, कभी कभी जो बंदर उछल रहा होता था बंदर नहीं, तो वो बच्चा जो है ऊंचाई से नीचे गिर के मर जाता है ना। मैंने देखा है हमारे घर के पास ही वो बंदर का बच्चा जब मर गया तो कई 2 दिन तक उसको गोद में लेके बैठे,
चढ़ रही थी, वो नीचे गिरी बिल्डिंग से और नीचे बच्चा छोटा सा बच्चा था वो गिर गया। तो एक और दूसरा आपने देखा होगा एग्जाम्पल बिल्ली, बिल्ली जो होती है वो भी अपने बच्चे को मुंह में दबा के लेके जाती है, मुंह खोलती है अपना नहीं, अपने जो छोटा सा किचन होता है उसको मुंह में दबाती है और दूसरी जगह उठा के लेके जाती है खाना वाना खिलाती है। तो जो किचन होता है बिल्ली का बच्चा होता है वो अपने बल पर नहीं चल सकता, तो माँ उसको उठाती है, तो माँ के मुंह से गिरने के चांसेस रहेंगे बहुत बहुत नहीं रहेंगे, है ना, क्योंकि माँ मुंह में वो नहीं गिर सकता है ना। उसी तरह से इसे ये योगी होते हैं ज्ञानी होते हैं ये अपने बल पर इस भवसागर को पार करना चाहते हैं, ये बहुत दुरस्या है तो कोई पार नहीं कर सकता, लेकिन भक्त जो है वो बिल्ली के बच्चे की तरह असहाय रहते हैं, तो भगवान उनको पकड़ते हैं नरसिंह देव की तरह और इस जगत से लेके चले जाते हैं, उनका नाश नहीं होता, गिरने की कोई संभावना ही नहीं रहती, चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि भक्त जो होता है किसकी चरण में रहता है, राधा गोविंद देव की शरण, भगवान का सुंदर मुख देखता रहता है, उनका स्मरण करता रहता है, उनकी क्या करता है, तो कोई चिंता ही नहीं होती, तो बस एक ही चिंता होती है मेरी माला न छूट जाए, मेरा जप न छूट जाए, मैं भगवान को स्मरण न कर सकूँ, ऐसा स्टेज न आए भगवान है ना, भगवान का सुंदर रूप चिंतन करके अपना मस्त जो भक्त रहते हैं वो बंदर के अपने बल पर बहुत आगत पार करते हैं, बहुत चिंताएं रहती है ना, ये वैक्सीन नहीं आया तो ये बेकार है, तो ये कर लो तो ये कर तो ये कर तो वो कर, भक्त जो है भगवान पर डिपेंड रहता है और जो कुछ कहा जाता है वो करता है नेक, तो क्या होता है भगवान उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड भी कर देते हैं, घर बैठे बैठे बेटे की फ्लाइट कैंसिल हो जाती बेटा नहीं जाती है ना, आपने तो कैंसिल नहीं की अपने आप ही कैंसिल हो गए है ना, अपने पिता की सेवा कौन करेगा, तो कहने का मतलब ये है कि भगवान सबका बंदोबस्त करते हैं, तो हमें किस पर आश्रय लेना चाहिए ये भगवत गीता बता रही तो है भगवान का, और भगवान हमें समझा रहे हैं कि देखो तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो लेकिन गलत जगह फंसते हैं, अब शरीर का तो त्याग होगा लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे पास वापस आ, और कभी इस दुख संसार में जाना नहीं पड़ेगा, वो एक ही रास्ता है भगवान का नाम, हमें भगवान से प्रे करना चाहिए, भगवान जब भी वो हमारा अंतिम तो कम से कम यमुना जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, सब प्राण तन से, थैंक यू सो मच, भगवद गीता की जय, जय कृपा जी, आप सभी और भक्तवृंद की जिन विश्वास के साथ आप उठ रही है, और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि ये मट्टी बनी रहे कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, थैंक यू सो मच, किसी का कोई प्रश्न है या कोई डाउट या जिज्ञासा या कोई ऐड करना चाहते हैं, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।